भक्ति भाव से मंदिर में चढ़ाए गए फूलों का आखिर क्या होता होगा, यह सवाल सबके मन में आता है। लेकिन इसी प्रश्न का जवाब देता है यह अनोखा उपक्रम जो नागपुर स्थित टेकड़ी बापा मंदिर में चलाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं विस्तार से आखिर क्या है वह अभियान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि नागपुर स्थित टेकड़ी मंदिर में रोज कई फूल माला भक्तगण चढ़ाते हैं। यह केवल नागपुर का ही नहीं तो संपूर्ण विदर्भ का श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ बड़ी मात्रा में फूलों की माला चढ़ाई जाती है। आखिर इन फूल मालाओं का क्या होता है, यह सवाल भी सबके मन में जरूर मौजूद होता होगा। और इसी सवाल के जवाब के स्वरूप में एक नया अभियान टेकड़ी मंदिर द्वारा चलाया जा रहा है, जहां की रोज अर्पित की गई फूल मालाओं की धूप अगरबत्ती बनाई जाती है। और विशेष रूप से बताने वाली बात यह है कि रोज के जमा हुए निर्माल्य से लगभग 25 किलो धूप अगरबत्ती बन जाती है, जिसके चलते महिलाओं को रोजगार तो मिला ही, साथ ही साथ उपयोग में आने के बाद निर्माल्य में जाने वाले फूलों के साथ न्याय भी हुआ है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के विषय में जाने तो सबसे पहले मंदिर से निर्माल्य क्रशर मशीन में डालकर पाउडर तैयार की जाती है, जिस पर प्राकृतिक चीजों से प्रक्रिया कर धूप अगरबत्ती बनाई जाती है, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए पैकेट रखी गई है, जिससे कि इस नए उपक्रम की स्थानीय क्षेत्र में काफी मात्रा में सराहना हो रही है। जिसके विषय में जानकारी दी मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री राम कुलकर्णी ने। ये मंदिर में जो हार फूल चढ़ाए जाते हैं भक्तों द्वारा, उसे सुखाया जाता है धूप में, सुखाने के बाद उसकी छटनी होती है और छाटने के बाद में उसको मशीन में डाल के पाउडर बनाया जाता है, और वो पाउडर बनने के बाद में उसमें सुगंधित द्रव्य और गोबर वगैरह मिला के फिर ये मशीन में दूसरे मशीन में डाल के उसकी कांडी बनती है, धूप कांडी, और वो धूप कांडी फिर धूप में सुखाई जाती है। और यह हम बिना किसी लागत मूल्य पे दे रहे हैं, कोई इसमें हम इनकम हमारी इच्छा नहीं है। हमारा खाली मन में इच्छा ये है कि भगवान का जो निर्माल्य है वो लोगों के पैरों के नीचे न जाए, और धूप कांडी बनकर वो लोगों के घर में पूजा स्थल को सुगंधित करे, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, यही एक। वहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन में हमने बताया था कि हम धूप कांडी बना रहे हैं निर्माल्य से, तो सबने उसका, अभी बाकी भी मंदिर अब इसमें इनिशिएटिव लेंगे कि भाई हमको भी करना है, और मेरा ऐसा कहना है कि सभी मंदिरों ने ये करना चाहिए। यह व्यापार नहीं है, परंतु उस चीज का एक सदुपयोग है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।